मार्वल स्टूडियोज के एक नए शो लोकी का पहला एपिसोड 9 जून को रिलीज हुआ है और इस एपिसोड के अंदर लोकी की टाइमलाइन कंटिन्यू करी गई है जो कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद टेसराक लेके कहीं उड़नछू हो गया था। टीवीए टाइम वेरियंस अथॉरिटी उसे एक कैदी यानी कि प्रिजनर बना के अपने कोर्ट में पेश करती है। टाइम कीपर्स हैव बिल्ट क्वाइट द सर्कस एंड आई सी द क्लाउन्स आर प्लेइंग देयर पार्ट्स टू परफेक्शन। वहां पे उसकी मुलाकात होती है मोबियस यानी कि ओवेन विल्सन से जो कि उसे एक टास्क देता है कि चलो तुम हमारे साथ मिलके हमारे कुछ लोचा हो रहा है हमारे टाइम वेरियंस एकेडमी में, तुम हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, इस बदले में तुम्हारी जान बख्श देंगे। तो बेसिक प्रेमिस यही है। सबसे मजे की बात यह है कि ये लोकी 2012 का लोकी है यानी कि थॉर 2 अभी नहीं हुई है, एवेंजर्स की कोई मूवी नहीं आई है, थॉर 3 नहीं हुई है। इसका मतलब इस लोकी को जो दूसरी टाइमलाइन में जो एक्चुअल में हम लोगों ने देख रखा है वो इसे कोई आइडिया नहीं है। इसे थैनोस के बारे में नहीं पता कि थैनोस आएगा या नहीं आएगा, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग था। अब मैं बात करूं वर्ल्ड यानी कि टाइम वेरियंस अथॉरिटी के वर्ल्ड के बारे में, तो ट्रेलर्स में तो अच्छा लग रहा था बट ओवरऑल मुझे काफी ज्यादा मैं चीजी सा लगा थोड़ा। जो दिखाया ना कि दिस इज द वर्ल्ड वेलकम टू स्वीट होम, लोकी को दिखाता है ओवेन विल्सन, ये देखो वो कहता है ये मैजिक तो नहीं है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवीज देखी है तुमने, वहां के वर्ल्ड्स देखे हैं तुमने, मार्वल और हम लोगों को तो पता है ना यार कि कितने बढ़िया तरीके से वर्ल्ड्स बना सकता है मार्वल। वो इतना ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा, ऐसा लगा कोई स्टॉक वीडियो दिखा रहा है पता नहीं किस चीज की, पहली बार। दूसरी बात, एक डीबी कूपर का जोक है जो मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत ही चीजी सा जोक है वो, लेकिन यार वो एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में मैंने लेमिनो वगैरह की वीडियो देखी है, तो जब मैंने वो जोक देखा मैंने कहा अरे अरे अरे। डीबी कूपर एक्चुअली एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि एक बंदा फ्लाइट से कूद गया था, पता नहीं चला था कि पैसे लेके कहां गया कहां नहीं गया, उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो जोक मुझे अच्छा लगा। अब मैं एक्टिंग की बात करूं बाय टॉम हिडलसन यानी कि लोकी और टोबायस यानी कि ओवेन विल्सन, उन दोनों की वजह से ही मैंने पहला एपिसोड देखा। मैं बता दूं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लोकी और उसका एक्टर ओवेन विल्सन, दे आर द फकिंग लेजेंड्स। ये इतने ज्यादा लाइकेबल एक्टर्स हैं कि अगर इनसे आप कुछ भी सिनेरियो करा लो ये उसे बहुत फन बना देते हैं। अब इस टाइम ट्रैवल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट या फिर इसकी बैक स्टोरी का इन्होंने बहुत ही सिंपल सा एक PSA वर्जन दिखाया था कि बहुत पहले जमाने में बहुत सारी टाइमलाइंस आपस में लड़ा करती थी, फिर कुछ टाइम कीपर्स आए जिन्होंने उस लड़ाई को रोक दिया और एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइमलाइन बना दी, और इस टाइमलाइन से अब जब भी कोई डेविएट होने की कोशिश करता है तो यही टाइम वेरियंस अथॉरिटी आ जाती है और उसे वापस स्टैंडर्ड टाइमलाइन पर ला देती है। और यही क्वेश्चन हम सब लोगों के दिमाग में था कि जब एवेंजर्स ने ऐसा करा तो ये लोग कहां थे, यही क्वेश्चन लोकी ने पूछा, तो उन्होंने कहा नो दैट वॉज सपोज टू हैपन, लेकिन तुमने जो करा लोकी वो सपोज टू हैपन नहीं था टाइम कीपर्स के अकॉर्डिंग। तो यार ये जो है ना, ये इनका कॉन्सेप्ट बड़ा मुझे वो लगा कि कुछ भी बोल दो हम लोगों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सेंस बन रहा है इस बात का या नहीं बन रहा है इस बात का, वो इसी बात पे ला देंगे कि टाइम कीपर्स ने कहा था तो ये होगा, तुमने कहा हमने मान लिया, अब हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। अगर तुम्हें एक्चुअल में फर्क पड़ता है तो तुम उसको सही से एक्सप्लेन करते कि एवेंजर्स ने ऐसा क्यों करा या क्यों नहीं करा। हो सकता है फ्यूचर एपिसोड्स में इसके बारे में कुछ बताएं, बट ओवरऑल मुझे बस ठीक ठाक ही लगा। अब अगर इन्हें इस वर्ल्ड को बहुत ज्यादा एसेंट्रिक या फिर अच्छा बनाना है तो इन्हें ये लोग बहुत ज्यादा हाइप कर रहे हैं, क्योंकि 2012 वाले लोकी के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स ही बहुत बड़ी चीज थी, और ये जब लोकी उन्हें देखने जाता तो देखता है इतने सारे इन्फिनिटी स्टोन ऐसे छोटे पड़े हुए हैं वहां पे, तो उसको लगता है यार ये बहुत बड़ी डील है। तो 2012 और लोकी के लिए मैं समझ सकता हूँ हाँ यार ये बहुत बड़ी डील है, ये एवेंजर्स वगैरह इन सबसे ऊपर है थेनोस वगैरह से, लेकिन यार हम लोग तो देख चुके हैं ना थेनोस, हम लोग तो एवेंजर्स एंड गेम तक देख चुके हैं ना, तो हम लोगों के लिए वो यार वो हाइप अप वाली फीलिंग नहीं आती। कि अब बात करते हैं लोकी के मोटिवेशंस के बारे में। ये 2012 वाला लोकी है तो इसकी मोटिवेशंस केवल ये हैं कि जो दूसरा लोकी है जो एक्चुअल में मर चुका है इन्फिनिटी वॉर के अंदर, उसकी वजह से इसकी माँ की डेथ हो गई थी और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मतलब हाफ यूनिवर्स तबाह हो गया था, तो ये थोड़ा सा उस बारे में गिल्टी फील करता है, इसका कैरेक्टर चेंज करने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखो वो लोकी है, ही इज अ गॉड ऑफ मिस्चीफ, अगर तुम्हें उसका कैरेक्टर चेंज करना है का मतलब ये है तुम उसकी पर्सनैलिटी चेंज कर दो, कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि उसी की कैरेक्टर को उसी का कोई मोटिवेशन होता कि वो अपने सेल्फिश रीजन की वजह से ये कुछ कर रहा होता, ना कि दुनिया को बचाने के लिए या लोगों को बचाने के लिए। ये मुझे थोड़ा सा वीक और थोड़ा सा केवल स्टोरी बिठाने के लिए लगा, लोकी की मोटिवेशन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से इट वॉज काइंड ऑफ एन एवरेज एपिसोड। देखो अगर तुम लोगों को पसंद है तो देखो, बट मुझे बहुत ही एवरेज लगा। आगे वाले एपिसोड्स मैं देखूंगा केवल दो रीजन की वजह से, ओवेन विल्सन और टॉम हिडलसन की एक्टिंग,
कमाल की एक्टिंग है। और दूसरा रीजन कि मैं देखना चाहता हूँ कि आगे ये इसकी क्वालिटी ऊपर ले जाते हैं या नीचे ले जाते हैं, वो किस तरीके से दिखाते हैं। जैसे उन्होंने विलन इंट्रोड्यूस करा कि लोकी ही विलन है इसके अंदर, किसी और टाइमलाइन का या ये हमें कुछ नहीं पता। वो जो भी है देखते हैं, नेक्स्ट एपिसोड देख लो एक बार, आगे वाले एपिसोड में बताते हैं। और इफ यू वॉन्ट मोर वीडियोज लाइक दिस, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।